हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित कुमार चौहान और आज हमारे आईओटी की तीसरी क्लास है। पिछले दिनों हमने आईओटी के बारे में जाना था कि आईओटी होते क्या हैं, आईओटी डिवाइसेस को हम कहते क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आईओटी डिवाइसेस में, या क्या क्या चीज़ें आईओटी डिवाइसेस को एक यूनिक चीज़ बनाती हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी। ठीक, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी क्या है? अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी की, तो बेसिकली तौर पे ये एक इनिशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम आईओटी इकोसिस्टम या आईओटी सिस्टम को क्रिएट करने में या फिर उसके फंक्शंस को समझने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे चार ब्लॉक्स के बारे में मैंने डिफाइन करा है। एक है एप्लीकेशन, एक है गेटवेज, एक है प्रोसेसर और एक है सेंसर्स। ठीक, हम एक एक करके समझते चले जाएंगे कि आईओटी ब्लॉक्स मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं हमारे आईओटी के, ये चार चीज़ हैं क्या और ये आईओटी इकोसिस्टम या आईओटी सिस्टम में क्या मायने रखते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला है सेंसर। ठीक, अब सेंसर ही पहले क्यों है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आईओटी में ये जो हम कह रहे हैं चार ब्लॉक्स के बारे में कि सेंसर का काम, अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि सेंसर का काम क्या है, एनवायरनमेंट से या कोई फिजिकल थिंग से डेटा को कलेक्ट करना। ठीक, सेंसर काम क्या होता है, एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करना। ठीक, अब वो क्या करता है, प्रोसेसर को भेजता है। इसको भेजेगा प्रोसेसर को प्रोसेसिंग कराने के लिए, उसके बाद फिर ये गेटवे के पास जाएगा। गेटवे क्या करेगा, इस प्रोसेस डेटा को एप्लीकेशन तक लेके जाएगा। ठीक, तो अगर बिल्डिंग ब्लॉक की बात करी जाए तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी, प्रोसेसर से होती है। प्रोसेसर सॉरी सेंसर हमारे बिल्डिंग ब्लॉक की आईओटी बिल्डिंग ब्लॉक में आईओटी के सिस्टम में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सेंसर से होती है। ठीक है, तो बात अगर हम सेंसर्स की करते हैं तो सेंसर्स हमारे लिए क्या है, सेंसर किसी भी आईओटी डिवाइस की एक फ्रंट एंड यूनिट है। क्या है ये, फ्रंट एंड यूनिट है। कहने का मीन क्या है कि अभी जैसे मैंने कहा कि किसी भी बिल्डिंग आईओटी या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी इकोसिस्टम में सेंसर से जब तक डेटा कलेक्ट नहीं होगा तब तक वो प्रोसेस के लिए नहीं जाएगा, और जब वो प्रोसेस के लिए नहीं जा रहा है तो हम एप्लीकेशंस पे क्या देखेंगे। ठीक है, तो सेंसर कैसे काम करता है, फ्रंट एंड यूनिट की तरफ काम करता है। इसका मेन चीज़ क्या है, जो हमने पिछले क्लासेस में भी देखा है, इवन अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस चीज़ को रिपीट किया कि इसका मेन वर्क क्या है, एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करना। ठीक, या तो उस डेटा को वो डेटाबेस में सेव करने के लिए भेज देगा या फिर वो प्रोसेसिंग सिस्टम के पास भेज देगा कि आप उसे प्रोसेस करें। ठीक, यहाँ पे मैंने फिगर ले रखा है जिसमें आपको सेंसर्स के बारे में दिख रहा होगा। फिर हमारा प्रोसेसर जो कि हमारे आईओटी सिस्टम का ब्रेन होता है। ठीक, इसे हमारे बॉडी सिस्टम का ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन का हमारा काम क्या है कि डेटा को कन्वर्ट करना, प्रोसेस करना। ठीक है, और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक, कहने का मीन क्या है, भाई सेंसर ने एक तौर पर डिजिटल डेटा ही तो कंटेन किया है, अब वो डेटा ऐसा है कि अभी के तौर पे हम उसे रीड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते क्या है। ठीक, तो प्रोसेसर क्या करता है कि उस डेटा को कलेक्ट करेगा या उस डेटा को अपने पास लेके आएगा और उसे प्रोसेस करेगा। ठीक, और प्रोसेस करने के बाद उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कहने का मीन क्या है कि हम उसे रीड कर सके, रीडेबल फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक, या फिर उसे क्लाउड पर ट्रांसमिट कर देगा। क्लाउड पर आप कह सकते हैं स्टोरेज पे, हमारा स्टोरेज जहाँ पे ये इसे इसको ट्रांसफर कर देगा। ओके, फिर हमारा गेटवे। देखो, गेटवे एक तरीके से तौर पे ये आपका आईओटी डिवाइस और उनके डेटा सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है, या मैं कहूँ उस नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कहने का मीन क्या है मेरा कि गेटवे क्या है, नेटवर्क के थ्रू से प्रोसेस डेटा को, ठीक, डेटाबेस या नेटवर्क स्टोरेज में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब जैसे सेंसर ने डेटा को ले लिया, प्रोसेसर ने प्रोसेस भी कर दिया। ठीक, लेकिन एप्लीकेशन तक वो डेटा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन तक उस डेटा को लेके जाने का गेटवे करता है। ठीक है, या तो वो एप्लीकेशन तक लेके जाएगा या फिर वो क्लाउड सिस्टम में डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, इन पर्पस के लिए हम गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। वही हम बात कर ले अगर एप्लीकेशन सिस्टम की, तो एप्लीकेशन सिस्टम हमारे किसी भी आईओटी इकोसिस्टम का सबसे एंड पॉइंट होता है। कैसा है हमारा एंड पॉइंट होता है, इसका काम क्या है, यूजर को एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना या फिर यूजर को एक इंटरफेस देना जिसमें यूजर क्या कर सके, डेटा को व्यू कर सके, उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सके या फिर उस डेटा को एनालिस कर सके। ठीक,
तो एप्लीकेशन का काम क्या है? एप्लीकेशन आईओटी सिस्टम का एंड पॉइंट होता है जो यूजर को डेटा को व्यू करना, अंडरस्टैंड करना, एनालिसिस करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, फिर हम बात करते हैं वेरियस टेक्नोलॉजीज मेकिंग अप आईओटी इकोसिस्टम। ठीक, हम बहुत सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं आईओटी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। ठीक, जिनमें कुछ मेजर मैंने नाम यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें जैसे क्या, एक है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, एक है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, एक है हमारा बिग डेटा एनालिस्ट, एक है हमारा एम्बेडेड सिस्टम और एक है हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक, हम एक एक करके बारे में सब में जानते हैं कि ये जो वेरियस टेक्नोलॉजी है जिनका इस्तेमाल हम आईओटी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं वो क्या क्या है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क की। ठीक, अब वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या है? सेंसर का काम तो वही होगा जो करता आ रहा है वो। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क कहने का मीन क्या हो गया कि अब वो जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक, वो वायरलेस करेगा। ठीक है, मतलब वो जिस नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो बाय अ वायरलेस नेटवर्क के थ्रू करेगा। ठीक, अब वहाँ पे किसी वायर्ड नेटवर्क की बात नहीं हो रही है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि वो डेटा को कहीं अपने पर्टिकुलर किसी सिस्टम में नहीं रख रहा है जो वायरली कनेक्टेड है। ठीक, तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क कहने का मीन क्या हो गया कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट सेंसर डिवाइस का एक वायरलेस नेटवर्क है। ठीक है, जिसका उपयोग फिजिकल या एनवायरमेंट कंडीशन की मॉनिटरिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ और मेरा सीसीटीवी कैमरा मेरे दूसरे इंस्टीट्यूट में लगा है। ठीक, अब वहाँ पे एक मोशन सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, जो बेसिकली वहाँ पे हो रहे मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है। ठीक, तो वो जो डेटा जो भी कलेक्ट कर रहा है, ठीक, वो मेरे तक कैसे पहुँचा रहा है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क के माध्यम से। ठीक, अब वहाँ पे हुए जितने मोशन सेंसर मैं सबको देख रहा हूँ। ओके, वही हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली तौर पे एक सर्विस होता है, कंप्यूटिंग रिसोर्स सर्विस हो सकता है। ठीक है, जिनका मतलब क्या होता है? ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी। ठीक, अवेलेबिलिटी कहने का मीन क्या है मेरा? ठीक, कि आपके तीन टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होते हैं बेसिकली तौर पे। एक होता है SaaS, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक, आप सॉफ्टवेयर को रेंट पे ले सकते हो अपने सिस्टम में। ठीक, दूसरा आता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आप प्रोसेसर या होस्ट को रेंट पे ले सकती हैं। ठीक, तीसरा होता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, आप ऑपरेटिंग सिस्टम OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रेंट पे ले सकते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग से फ़ायदा क्या है हमारा कि अगर मान लीजिए आप कोई एक IoT डिवाइस डेवलप कर रहे हैं या IoT डिवाइस आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप सॉफ्टवेयर अपना खुद का देंगे, अपना होस्ट आप खुद का देंगे या प्रोसेसर आप खुद का दे रहे हैं या आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का बनाया, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो मैं जब मार्केट में वो IoT डिवाइस लॉन्च करूँगा या बेचने जाऊँगा तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, लोग उसे खरीदेंगे ही नहीं। लेकिन वही अगर मैं उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए मैं रेंट पे ले लिया, मैंने सॉफ्टवेयर रेंट पे ले लिया, मैंने प्रोसेसर रेंट पे ले लिया, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम रेंट पे ले लिया या होस्ट मैंने रेंट पे ले लिया, उस कंडीशन पे वो जो मेरा प्रोडक्ट तैयार हुआ या जो मेरा IoT डिवाइस तैयार हुआ वो इतना कॉस्टली नहीं होगा, वो अफोर्डेबल हो जाएगा, फिर कोई भी उसे अफोर्ड कर सकता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स की। ठीक, तो बिग डेटा का मीन क्या है कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा का एक लार्ज सेट होना। ठीक, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा का मीन क्या है कि या तो डेटा हमारा सीक्वेंस में होगा या तो अनसिक्वेंस में होगा। ठीक है, मतलब कहने का मीन ये, या तो डेटा मेरा एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रखा होगा, प्रॉपर तरीके से रखा होगा, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर अनप्रॉपर तरीके से रखा होगा। ठीक है, इन डेटा के कलेक्शन को एनालिस करने के लिए, ठीक, और उस डेटा को एनालिस करने के बाद जो भी प्रॉब्लम या जो भी चीज़ क्रिएट हुई है उसके बिहार पे डिसीजन लेना, प्रिडिक्शन करना या फिर उन चीज़ों को फिक्स करना, ये चलाता है बिग डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में कुछ ही चेंजमेंट करना चाहता हूँ, कुछ डेवलप करना चाहता हूँ या नया करना चाहता हूँ, तो या तो मैं खुद डिसीजन मेक कर लूँ, ठीक, जिसका मुझे अंदाजा नहीं होगा कि आने वाले टाइम पे उस डिसीजन का मेरे इंस्टीट्यूट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक डेटा कलेक्ट करूँ, और डेटा मैं कैसे कलेक्ट करूँगा? स्टूडेंट से, मैंने इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैंने उन सबसे कहा कि आप ये पर्टिकुलर फीडबैक मुझे दीजिए इंस्टीट्यूट के लेकर कि आपको इस इंस्टीट्यूट में क्या अच्छा लगता है, आपको इंस्टीट्यूट में क्या खराब लगता है, आप क्या चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, आप क्या चाहते हैं कि ये डेवलप हो जाए या अपग्रेड हो जाए, इसकी जगह ये यूज हो। ठीक, मैं डेटा सबसे कलेक्ट करूँगा।
अब बच्चे वो मुझे डेटा प्रोवाइड करना चालू करेंगे, धीरे 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 मेरे पास डेटा आएगा और एक लार्ज डेटा मेरे पास तैयार हो जाएगा। ठीक, जब ये डेटा मेरे पास तैयार हो गया, अब मैं बिग डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से उस डेटा को मैं एनालिस करूँगा। ठीक है, अब मैं उसके बिहार पर देखूंगा कि किस चीज़ का बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या किस चीज़ से बच्चों को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, जिसके बिहाफ पे मैं आने वाले टाइम में इन फ्यूचर मैं प्रेडिक्शन या डिसीजन ले सकता हूँ, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, उस प्रॉब्लम के बिहाफ पे मैं चीज़ों को फिक्स कर सकता हूँ। ठीक, वही अगर हम बात करते हैं एम्बेडेड सिस्टम की, तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है? एक्चुअल में एम्बेडेड सिस्टम एक आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, बात करी जाए तो ये कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सिस्टम और उससे रिलेटेड पेरिफेरल डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं सीधे तौर पर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, ऐसे डिवाइसेस जिनमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं उन्हें हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे स्विच हो गए, राउटर्स हो गए, मॉडर्म्स हो गए, इवन हमारा फ़ोन भी एक एम्बेडेड सिस्टम ही है। ठीक, फिर हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऐसी प्रोटोकॉल या ऐसी टेक्नोलॉजी जिनका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए करते हैं। ठीक, अब कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो हम प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें हमारे कुछ नाम हमें दे रखे हैं, जैसे कि एक हमारा ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, रेडियो प्रोटोकॉल्स हो गए, ठीक है, लाइटें हो गया। ठीक, यहाँ पे कुछ नाम मैंने आपको दे रखा है, जैसे वाईफाई हो गया, NFC हो गया, ठीक है, XMP हो गया, UDP हो गया, सेलुलर हो गया, MQTT है, वैसे ZigBee है, ठीक, हमारा OPC UA है। ये सब हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि किसी भी डिवाइस के बीच में, मैं कहूँ या दो डिवाइसों के बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश करना। ठीक, फिर यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे सम कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज इन IoT, वो प्रोटोकॉल जिनका इस्तेमाल हम IoT डिवाइसेस में करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी ही रखता हूँ, बाकी हम कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने दो लेक्चर्स वीडियो देख लिए होंगे जो मैंने पिछले दोनों डाल रखी थी। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं या जिन्होंने भी उनको अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है वो करें। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर आपको इश्यू हो तो हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। ठीक, हमारी वेब डिज़ाइन की न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक, और ये हमारा ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, मतलब कल से 13 सितंबर से हमारी ये स्टार्ट हो रही है वेब डिज़ाइनिंग क्लास। कोई भी बच्चा, चाहे वो ओ लेवल का हो बच्चा हो, ठीक, या अगर वो वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहता हो या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता हो, ठीक है, कोई बच्चा इसे ज्वाइन कर सकता है। ठीक, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी है, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारा ऑफिस का नंबर है, आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको जरूर मदद करेंगे। ठीक, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और ऐसे हमसे जुड़े रहिए। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके सोल्यूशन को जरूर, आपकी प्रॉब्लम को जरूर हम सॉल्व करेंगे। ठीक।